हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर कैसा था, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल है डियर, कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका होगा, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो 9324748488 पे आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, जहां आपको डिटेल्स मिल जाएगी। डियर कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर कैसा था। आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस आपके पार्टनर के ऊपर कैसा था, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका फर्स्ट इम्प्रेशन उनके पार्टनर के ऊपर कैसा था। ओ माय गॉड, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं। आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस आपके पार्टनर के ऊपर कैसा था। आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस आपके पार्टनर के ऊपर कैसा था। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है डियर माय डियर, जहाँ आपके आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर कैसा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है और बहुत ही अच्छी रीडिंग है द वर्ल्ड का कार्ड। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था लाइक अ डेविल की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं आपको देखकर ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए थे, क्योंकि आपकी जैसी ब्यूटी और आपके जैसा आप जैसे भी दिखते हो लुक लाइक वे में आपके पार्टनर आप के एडिक्टेड ही फील कर रहे थे। वो आपको देखे बिना, यानी देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, आंखें नीचे हट ही नहीं रही है, यानी आपके चेहरे से आंखें उनके नीचे छपक ही नहीं रही है। वो देख रहे हैं तो देखते रहे, आपके चाहे फिगर को देख रहे हैं या फिर आपकी आंखों में देख रहे हैं, उन्हें एक एडिक्शन फीलिंग्स हो रही है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही लाइक अ डेविलिश एनर्जी, यानी कि लाइक अ पैशनेट एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे थे। ना तो वो आपको देखे बिना रह सकते थे, उनकी नज़रें आपके ऊपर टिक चुकी थी एंड डेफिनेटली वो आपके आपके लुक्स, आपके फिगर, आपकी पर्सनालिटी आपको देखकर आपके पार्टनर को रहा ही नहीं जा रहा था। वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना रहे थे कि आपसे उनको बात करनी है, आपके साथ उनको आपके बारे में जानना, आपके बारे में क्यूरियोसिटी, आपके बारे में ये जानना, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसा लाइफस्टाइल है, क्या है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके दिल और दिमाग में डेफिनेटली लाइक अ डेविलिश वाली वाइब्स ही उन्हें फील हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन के जैसा, एक नशे के जैसा आपने उनके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन में ही वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका ऐसा रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल नहीं, यानी कि जिसे भूला बुलाया ना जा सके, वैसा इम्पैक्ट आपका आपके पार्टनर के ऊपर पड़ा है। मीन्स एड बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में
एंड एडिक्टिव वे में। एडिक्टिव इसीलिए क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ें खासतौर से पैशन एंड डिज़ायर की ही बात करती है जब फर्स्ट इम्प्रेशंस की रीडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं आपके आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, एक्सट्रीम लेवल का अट्रैक्शन, जहाँ एक्सट्रीम लेवल का जब कोई भी चीज़ की अति होती है हम उसे ही डेविल कहते हैं। तो यहाँ एक्सट्रीम लेवल का पैशन, एक्सट्रीम लेवल का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स वो फील कर रहे थे आपसे। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया पर आप मिले होंगे, लॉट्स ऑफ फैंटेसी एंड इमोशनल कनेक्शन वो आपसे फील किया फर्स्ट मतलब टाइम में ही, इनको फॉल इन लव विथ यू। तो ऐसी सिचुएशन उनके ज़रूर बनी थी क्योंकि वो आपके प्यार में आ गए थे। क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स ने किया है, यानी कि डेफिनेटली बहुत सारे चॉइसेस होने की, यानी कि महफिल में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस महफिल में आप ही द वन हैं। दिस कुड बी द वन जिनसे उनको प्यार करना है, दिस कुड बी द वन जिनके साथ उन्हें शादी करनी है, मैरिज करना है, या जिनके साथ वो कोजी होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही, क्योंकि अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का प्यार करने का तरीका जो है फिज़िकल टच हो सकता है, जिसके वजह से। और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है माय डियर, फिर भी वो आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील कर रही थी और पहले ही बार में उनको आपसे प्यार हो गया। क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं, उनके लाइफ में चॉइसेस की कमी नहीं। हो सकता है कि आप ऐसी जगह मिले हो जहाँ इनके लॉन्ग डिस्टेंस में, सोशल मीडिया पर भी मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया का भी कार्ड आया है, तो सोशल मीडिया पर भी मिले होंगे। आपके पार्टनर आपके प्यार में डेफिनेटली आ गए थे, चॉइसेस होने के बावजूद भी वो आपसे प्यार कर बैठे। उन्हें ऐसा लगता है, मतलब उन्हें ऐसा इंप्रेशन आपका पड़ा कि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी दुनिया कंप्लीट हो गई। अगर आप उनकी दुनिया में आते हैं या वो आपकी दुनिया में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की दुनिया को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे जो भी आप दोनों का फर्स्ट टाइम इंप्रेशन एक दूसरे से मिलने पर रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर को तो दुनिया कंप्लीट ही फील हो रही थी। उनको ऐसा लगा कि हाँ, दिस कुड बी द वन, यही द वन है जिनसे उनको प्यार करना है, जिनके साथ वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन आपके पार्टनर में इतना करेजी नहीं कि जिससे कि वो इस प्यार में फूल बन जाए, यानी कि पहले ही मुलाकात में वो आपके साथ कोजी हो जाए, पहले ही मुलाकात में वो आपके साथ इंटीमेट हो जाए, इतना करेजी नहीं कि पहले ही मुलाकात में कहे कि आप को वो लिप लॉक करना चाहते हैं या आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं या आपको किस करके दबाना चाहते हैं, व्हाटएवर, इतना करेज नहीं। फिर भी वो प्यार में पागल ज़रूर बनना चाहते थे, फिर भी वो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में ही वो आपके दीवाने ज़रूर बन गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर इस फूल को, अगर इस फूल को कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर इस फूल को कोई सही रास्ते पे दिखा सकता है, अगर इस फूल को, अगर इस मनचले टाइप के इंसान को कोई कंट्रोल में, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में वो मन चले हो सकते हैं, उनके पास चॉइसेस जरूर हो सकती है, यानी लाइक अ प्लेयर टाइप आपके पर्सन हो सकते हैं, उनके पास चॉइसेस की कमी नहीं दिख रहा है कि नहीं थी। एंड डेफिनेटली जब वो आपकी तरफ आपसे मिले तो उन्हें लगा कि द वन मिल गया है, मिस जो वो खोज रहे थे वो मिल गया इनको, जिसकी तलाश में ये कब से थे फूल बन के, जिसकी तलाश में कब से वो ढूंढ रहे थे। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, तो डेफिनेटली आपको ये कब से ढूंढ रहे थे और इन्हें आप मिल गए। लेकिन इन पर्सन में इतना करेजी नहीं कि वो आपको परस्यू कर सके, आपको अपनी बाहों में भर सके और अपनी फीलिंग्स को बता सके। क्योंकि इनको फीलिंग्स थी कि अगर इनको कोई अपने कंट्रोल में कर सकता है या उनको उनके ऊपर कोई राज कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। लेकिन सोसाइटी, समाज के वजह से आपके पार्टनर का दिल ज़रूर टूटा है। ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो ऑलरेडी, मैं जनरल मैसेजेस दे रही हूँ, मीन्स जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड इंसान के साथ हैं उनके लिए अलग मैसेजेस होंगे। तो पहले मैं इन जनरल मैसेजेस जो है वो बता देना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली समाज एंड सोसाइटी के वजह से आपके पार्टनर का दिल ज़रूर टूटा कि वो आपके साथ कोजी नहीं हो सकते, वो आपके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, वो आपको ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट टाइम देखकर वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनकी।
और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऐसी स्थिति हो गई जैसे लग रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ गई और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे। बार बार वो छुप छुप कर आपको देख रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में छाई हुई थी पूरी तरह से। क्लाउडीनेस उनका माइंड था, ना दिल कुछ कह रहा है ना दिमाग, दिल और दिमाग में कोई भी यानी कि रियलिटी एंड 5D के लेवल पे कोई भी चीज़ उनकी काम नहीं कर रही थी। सारे सिस्टम इनका फेल नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा वो स्पाई भी कर रहे थे, अगर आप सोशल मीडिया पे मिले होंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी थी। वो देख रहे हैं कहाँ से वो आपको देखे, उनकी तो एनर्जी यही थे कि कहाँ से वो आपको देखे, कहाँ से वो आपको ढूंढे और ढूंढ ही रहे थे। रोमांटिक फीलिंग्स, लॉट्स ऑफ रोमांटिक फीलिंग, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके लाइफ का जो चाहिए सनशाइन, वो सनशाइन उनकी लाइफ में आ चुका है। तो फिर डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ये पता ही नहीं था ना कि आप प्यार उनसे करते हैं या नहीं करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन में आपके पार्टनर को आपसे प्यार डेफिनेटली हो गया, लेकिन ये प्यार उन्होंने बताया नहीं, दिखाया नहीं, जताया नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उनको लेकर कुछ फीलिंग्स है भी या नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि ये इन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर की और आपने पूरी तरह से इनका पूरी तरह से काट ही डाला आपने अपने लिए। तो ये बहुत डरे हुए, सहमे हुए और अपनी फीलिंग्स को सोचा कि अगर वो आपसे अपनी फीलिंग्स बताएंगे तब तो आप इनको अपने मतलब हर जगह से कट कर देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे नेबरहुड में मिले हों, चाहे कहीं भी मिले हों, आप इस पर्सन से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और यही वजह है कि आपके पार्टनर को फियर, डर, इल्यूज़न भी था, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने यही सोचा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो। पता चला कि ये जो प्यार करने वाली मूरत दिख रही है, कहीं ये ब्लंट होके आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ ना कर दे, ब्लंट हो गए आपको अपनी लाइफ से ख़त्म ना कर दें। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर का डेफिनेटली फर्स्ट इम्प्रेशन ही फॉलिंग इन लव विथ यू वाला था, जैसे कि पहले ही नज़र में वो आपके प्यार में आ गए। और जो लोग मैरिड इंसान, उनके लिए मैसेजेस यही है कि डेफिनेटली जब वो आपके जब उन्होंने आपको देखा तो डेफिनेटली वो आपके साथ इंटीमेसी ही चाहते थे, लेकिन आप दोनों के लाइफ में चॉइसेस इन्वॉल्व है, फिर भी ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करके वो आपकी दुनिया में डेफिनेटली प्रवेश करना चाहते थे, एंट्री करना चाहते थे, लेकिन उनमें इतना करेज ही नहीं कि वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सके या फिर आपकी तरफ अपनी बातों को कह सके, क्योंकि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यानी रोमांटिक पार्टनर इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आपके पर्सन जो हैं अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस बनाकर ही रखना। लेकिन इनका दिल ज़रूर टूटा है, और लेकिन अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो आपको कैसे परस्यू करे अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जगलिंग वाली एनर्जी में भी थे, लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड फियर कि कैसे ये चीज़ें होगी, क्योंकि दोनों मैरिड हैं या एक मैरिड है तो कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, कैसे वो अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे। वो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली आपको ढूंढ ही रहे थे कि जहाँ उनको मौका मिले और वो कुछ कह सके आपके बारे में, क्योंकि उन्होंने जब आपको देखा तो फर्स्ट इम्प्रेशन लाइक प्यार करने वाली देवी या एंजल ऑफ लव्स की एनर्जी ही उन्हें फील हुई, लाइक अ सनशाइन की एनर्जी, लाइक अ लव की एनर्जी, लाइक अ अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी, और एक मदरली एनर्जी जो लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है एंड दूसरों का बहुत ख्याल रखती है। तो उनके लाइफ में एक सनशाइन के जैसे आप रहे, पहली बार में ही आप उनके लाइफ में एक सनशाइन के जैसे, मतलब आपको देखकर आपके पार्टनर के चेहरे की जो खुशी है वो नो वर्ड्स बताने के, मतलब आप जिसे बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने डेफिनेटली पेशेंसफुल रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे तब तो आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ भी कर दोगे। इस डर से उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया, बल्कि इंतज़ार करना राइट समझा, और इंतज़ार किया तब वो आपकी तरफ एक्सप्रेसिव हुए होंगे। और
ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं, मैं इस पर बहुत लंबी वीडियो भी बना सकती हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियोस चलती नहीं है डियर यूट्यूब पे, तो शॉर्ट वीडियो ही रखूँगी। अगर पसंद आती है तो आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें और मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ, कितना आपसे मिला, या फिर आप किस टाइप की रीडिंग चाहते हैं। अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें जिससे कि मुझे भी पता चले। तो यहाँ आपके पार्टनर कैप्रिकॉन हो सकते हैं, इरिज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।